आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज सभी को आपने नया जीवन दिया, नई सुबह दी, नई उम्मीद दी। पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे और आपको भरोसा है कि परमेश्वर आपके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है और आपके जीवन में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है, आपके बच्चों के प्राणों की रक्षा करता है, आपके जीवन की रक्षा करता है, आपके माता पिता भाई बहनों को सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है और परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी। इसीलिए आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें बीमारी में, दुख में, चिंता में, मुसीबत में परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। यदि आज हमें विश्वास है तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा भी रखना चाहिए, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है और तुम कैसे मेरा प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज परमेश्वर का भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई सुबह दी, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, तो आज हमारे जीवन में कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे किसी प्रकार की बीमारियों को लेकर के, किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के आज हमें डरना नहीं है। आज आपको अपने दिल से प्रार्थना करना है, दुआ करना है और उसके वचन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। यदि आज परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई सुबह दी है, एक नई रोशनी, एक नया सूर्य उदय किया है हमारे जीवन में, एक नई प्रकाश परमेश्वर ने यदि हमारे जीवन में दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, भजन संहिता अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं कि जो मेरा भरोसा है वो परमेश्वर पर है। तो आज सभी मसीह भाई बहनों का, हम सभी का किस पर भरोसा होना चाहिए, प्रभु पर, यानी परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। मेरे प्यों, इस चीज को लेकर के हमें कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं और परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है, हमें सुरक्षित रखने वाला है, हमारे घर परिवार, माता पिता भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे खेत खनिहाल को, हमारे हर प्रकार के बिजनेस के, हर प्रकार की बीमारियों से प्रभु हमें बचाता है, हर प्रकार की समस्याओं से। यदि आज हमारे जीवन में कोई उदासी है, बहुत ज़्यादा मन में बहुत सारी चिंताएँ हैं आज आपके मन में, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको ताकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन दूसरा में क्या कहता है, यहाँ पे राजा दाऊद लिखते हैं, क्योंकि देखो दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे के अंधियारे में तीर चलाएं। तो मेरे प्रिय भाई ने, इन चीज़ों से लेकर के आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जो दुष्टता के काम करते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज सीधे मन वाले हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग देता है, ढेर सारा प्यार देता है और ढेर सारी आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि नींद में ढा दिए जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। तो आज हमारे जीवन में यदि परमेश्वर वचन कहता है, यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तो वो हर प्रकार की जो शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करती हैं, आपके जीवन में, वो आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत ज़्यादा आपको उदास या स्ट्रेट में डाल देती हैं, या आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, तो परमेश्वर का वचन याद कर रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जिस तरीके से, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि एक भी, जो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे जिस तरीके से बात करते हैं, हे परमेश्वर बचा ले क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। यदि आज हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पे है, तो आज हमें भरोसा रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के जो आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यहाँ पे राजा दाऊद कहता है और जिस तरीके से बहुत सारी बातें आज हमारे जीवन में निकल करके आती हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है।
आज हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, बहुत सारी चिंताएं हों, अपने बेटे को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, शादी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज हमें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलता या फिर कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती, कोई अच्छा वर नहीं मिलता है। तो परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर ने कहीं न कहीं वो रास्ता, वो मार्ग आपके लिए बना करके रखा है। आप इंतजार करिए और परमेश्वर के समय के अनुसार, क्योंकि सबोपदेशक का अध्याय 3 में लिखा गया है, धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसके लिए एक निश्चित समय है। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है, विनती करना है, दुआ करना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको हर प्रकार के दुष्ट से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की समस्याओं से, जो आप इस समय ग्रसित हैं, जो आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना गलत क्यों हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी डिनाई कर देना है, बिल्कुल भी बाहर भगा देना है, क्योंकि परमेश्वर आपको रास्ता देगा, आपको मार्ग देगा, क्योंकि सत्य और मार्ग और जीवन प्रभु है। तो इसीलिए हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। कोई भी आपकी चीज़ हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, कोई भी धंधा हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्याएँ हो, कोई तकलीफ हो, दुख है, समस्याएँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन हमारे जीवन से निकल जाएंगे समस्या के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने इकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज असुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों न हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते, आपकी महिमा करते कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलकते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर करें यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सअप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर, जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा
करके रखें पिता। प्रभु इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने ने चुना है। आज जो बीमार हैं जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है या फेस में हो चुका है या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें, यीशु मसीह के नाम से इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं गंदी और बीजते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए, इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए, आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आजाद करते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आजाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नसों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सबको दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में, हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपने इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए, जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जो खाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आपके बेटे या बेटियां करते हैं, आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा, इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर, से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा
मैं जो बिजनेस काम धंधे जो अनेक प्रकार के जादू टोने अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को हर प्रकार के दुख को हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने अनुसार इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं, परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है बैंक अकाउंट नंबर उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप की अपना बीज बो सकते हैं, उसे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।